सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है हमारा उद्देशिका या फिर प्रस्तावना। ठीक है, इसके बारे में बेसिक से कंसेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जो है हमारा अर्थ निर्माण। प्रस्तावना कहाँ से लेगी, प्रस्तावना का शुरू कहाँ से होती है, समापन कहाँ होता है, शुरुआत कब हुई, लागू कब की गई, क्या मुख्य उद्देश्य थे। ठीक है, इसको 2 से 3 पार्ट में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहना है सभी को। ठीक है, ताकि यहाँ से एक भी इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका ना रहे। तो जल्दी से हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब ये क्या है दोस्तों प्रस्तावना, इसे समझते हैं। हमारे संविधान को एक नई दिशा और उद्देश्य देने का कार्य कौन करता है दोस्तों? प्रस्तावना। उद्देश्य और दिशा कह सकते हैं हम। ठीक है, दिशा और उद्देश्य देने का कार्य किसने किया है? प्रस्तावना ने। ठीक है, ये किसके द्वारा शामिल की गई? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के माध्यम से कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के माध्यम से प्रस्तावना जो है संविधान में शामिल की गई। दोस्तों, हमारे जितने भी मूलभूत अधिकार हैं दोस्तों, ठीक है, मूलभूत आदर्श हैं, किसके माध्यम से शामिल किए गए? सभी प्रस्तावना के मूलभूत आदर्श हैं, अधिकार मूलभूत, ये सभी किसके माध्यम से संविधान में शामिल किए गए? ठीक है, प्रस्तावना के। तो ये जो उद्देशिका है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे संविधान में। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी क्या है हम आगे वाले टॉपिक समझ सकेंगे। उसके बाद निर्माण की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की बैठकें, वहीं से यह प्रश्न उठता है आपका। 13 दिसंबर 1946 क्या है ये? संविधान सभा की तीसरी बैठक, थर्ड बैठक किसकी? संविधान सभा की। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, जिससे बाद में संविधान की प्रस्तावना एवं उद्देशिका के माध्यम से शामिल किया गया। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। कुल कितनी बैठक हुई थी दोस्तों? 3, 9 दिसंबर और 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और तीसरी बैठक में क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव आपका लाया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके माध्यम से? पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है दोस्तों। इसमें अपने देशों को याद रखना है। प्रस्तावना के माध्यम से 2 देश आपने कौन से याद रखने हैं? पहला है अमेरिका और दूसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? विचार है दोस्तों प्रस्तावना का, यानी कि प्रस्तावना उद्देशिका का विचार कहाँ से ली गया? अमेरिका। और भाषाओं की अगर बात करें, वो कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। 2 पॉइंट आपके ये बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का जो वाक्य है या फिर प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग, ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, हम भारत के लोग से शुरू होकर ये कहाँ पर समापन होता है? 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के दिन बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर संविधान जिस दिन अंगीकृत किया गया, ठीक है, उस दिन की डेट पर क्या है, संविधान की प्रस्तावना का अंत होता है, यानी कि समापन होता है। 2 प्रश्न बनेंगे आपके कि किस वाक्य से शुरू होती है हम भारत के लोग और कहाँ समापन होता है? 26 नवंबर 1949 को क्या है, इसका समापन होता है दोस्तों। ठीक है, शुरुआत मैंने पहले ही बताया दोस्तों कि इसका जो शुरुआत की गई थी तीसरी बैठक से की गई थी, ठीक है, संविधान सभा की, और लागू कब
कब की गई? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना लागू की गई। ठीक है दोस्तों, ये छोटे छोटे फैक्ट आपने याद रखने हैं। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य वही है दोस्तों, इसमें जो हमारे संविधान में मूलभूत अधिकारों, स्वतंत्रता और समानताओं की घोषणा करते हैं वो प्रस्तावना में शामिल किए गए। ठीक है दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं कि हमें संविधान किस तरह का बनाना है और किस तरह का संविधान बनाकर जनता को सौंपना है। ठीक है, तो प्रस्तावना के बारे में आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके स्वरूप, महत्व और उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।